हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनिष्ठ सहायक भर्ती को लेकर। जी हां, कनिष्ठ सहायक की भर्ती जो कि नवंबर के लास्ट एंड के वीक में आ सकती है। कहां कहां पर भर्तियां हैं, किन किन पोस्टेज में, क्या क्वालिफिकेशन में परिवर्तन हुआ है, पूरी कहानी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है बट आपके लिए लाभदायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। बाकी पूरी लिस्ट मैंने टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस चैनल टेलीग्राम का लिंक है, आप जरूर ज्वाइन करें। जी हां फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती आने वाली है और काफी कैंडिडेट्स को इसका इंतजार भी था। और बीच में आपको पता होगा कि अध्याचन में कमी के कारण जो है इसको वापस शासन को लौटा दिया गया था। थोड़ी बहुत एजुकेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट थी, बाकी सेवा नियमावली में कुछ परिवर्तन हुआ था, उसको लेकर शासन ने बकायदा सब कुछ भेज के वापस जो है लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरी यहाँ पर लिस्ट है, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है कनिष्ठ सहायक की यहाँ पर भर्ती आई हैं। कुछ में टाइपिंग भी है और कुछ में नॉन टाइपिंग भी है। पूरी जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक की ये भर्तियाँ हैं। जैसे अभियोजन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाग का नाम है, यहाँ पर 5 पद हैं, ठीक है। उसके अलावा जिला रुद्रप्रयाग में खाद्य विभाग में आप देख सकते हैं 3 पद है। क्वालिफिकेशन आप देखिए यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट और 4000 KDPH जो है आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसी तरह से आप देख सकते हैं आगे हम पढ़ेंगे तो कनिष्ठ सहायक की आप देख सकते हैं तमाम जितने भी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की जो FC डिपार्टमेंट है, यानी कि फूड कॉरपोरेशन जो है उत्तराखंड के, वहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज हैं 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर। उस तरह से कनिष्ठ सहायक के अलावा यहाँ पर आपने देखा होगा जिलाधिकारी अल्मोड़ा में कनिष्ठ सहायक लिपि के साथ जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी यहाँ पर है। तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो भर्ती आई थी उसमें टाइपिंग भी हुआ है, लेकिन अभी तक जो है फाइनलाइज नहीं हो पाया है क्योंकि वो भर्ती जो है अंडर सर्विलांस अभी भी चल रही है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जिला पूर्ति अधिकारी में 3 वैकेंसी हैं, परिवहन आयुक्त में, उसके अलावा लघु एशियाई और शहरी विकास, और तमाम आप देख सकते हैं अलग अलग जो संस्थान है वहाँ पर ये पूरी लिस्ट है, कहाँ पर जो है किस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कहाँ पर कनिष्ठ सहायक की है, उसके अलावा कहाँ पर जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी ये लिस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी लिस्ट जो है आपको यहाँ पर दे दी गई है। उसके अलावा तमाम आप देख सकते हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विधिक विभाग, जिला आपूर्ति विभाग, ये पूरी लिस्ट मैंने जो है टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दी है। तो आप जो है ज़रूर टेलीग्राम के चैनल को जो है ज्वाइन करें। उसके अलावा आप देख सकते हैं पंचायती राज विभाग, पदस्थ विभाग, और उसके अलावा निदेशक लेखा परीक्षक ऑडिट में, तो तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ विभागों में आप देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक के लिए आप देख सकते हैं ये यहाँ पर उन्होंने जो है क्वालिफिकेशन मांगी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर हैं आयुक्त राज्य कर में हैं, आप देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक यहाँ पर 29 और उसके अलावा 111, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे पंत नगर यूनिवर्सिटी में जो कि काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कनिष्ठ सहायक के लिए इंटरमीडिएट प्लस यहाँ पर हिंदी अथवा इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। इस तरह से स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़, उसके अलावा नैनीताल उच्च न्यायालय यहाँ पर आप देख सकते हैं नैनीताल में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ यहाँ पर जो है वैकेंसीज है। उसके अलावा सेवा आयोजन अधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है वैकेंसीज हैं, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर जो है टाइपिंग करने सहायक, ये तो नहीं सारी लिस्ट, मतलब किस डिपार्टमेंट्स में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन है। अब सीधे हम आते हैं पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के बाद और क्या क्या इसमें सैलरी आपको होने वाली। तो आप देख सकते हैं तालिका क्रम संख्या 1 पद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के डेटा एंट्री ऑपरेटर हेतु वेतन लेवल ये होगी, यानी कि लेवल 5 होगी जो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है। उसके अलावा यहाँ पर तालिका के
क्रम संख्या 39 जहां पर आप देख सकते हैं कि जिला अधिकारी उधम सिंह नगर के अंतर्गत टंकड़न टाइपिस्ट हेतु वेतन जो है लेवल 2 होगा, यानी कि जो लिस्ट हमने आपको दिखाई अगर ये वैकेंसी 39 पे यहां पर निकली हुई तो उसका वेतन लेवल अलग होगा, अगर कुछ कहां पर अलग लेवल है तो वहां पर अलग अलग होगा, ठीक है। उसके अलावा उपरोक्त के अतिरिक्त तालिका में अंकित सभी विभागों में कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 3 होगा, यानी कि अगर आप देने देखा होगा सीरियल नंबर 1 की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर लेवल 5 होगा और जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के लेवल 2 होगा, बाकी जहाँ भी अलग अलग डिपार्टमेंट में कनिष्ठ सहायक या डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो है भर्ती आई है उसकी यहाँ पर लेवल 3 होगी, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होने वाली है, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से जो है आपको जो है इंटरमीडिएट पास होना यहाँ पर अनिवार्य, चाहे आप उत्तराखंड से पास किए हों चाहे उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन आपका जो है स्थायी निवास उत्तराखंड का होना चाहिए, ठीक है, आप भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिष्ठ डेटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण प्रति घंटा 4000 की डिप्रिशिएशन आपके पास होनी चाहिए, यानी कि जो है टाइपिंग स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए 4। उसके अलावा यहाँ पर एक और बात उन्होंने कही है कि तालिका में सीरियल नंबर 10 पर अंकित उत्तराखंड पेयजल विकास एवं निर्माण निगम के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के पद हेतु हिंदी अथवा अंग्रेजी का टाइपिंग होना चाहिए 4000 की। तो यहाँ पर अलग अलग जो डिपार्टमेंट है जहाँ पर जैसी आवश्यकता है वहाँ पर टाइपिंग भी जरूरी है और कुछ जहाँ पर टाइपिंग की जरूरी नहीं है, तो आपने देखा होगा उस सीरियल लिस्ट में जो भी मैंने आपको पीछे दिखाई वहाँ केवल इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं मेरिट लिस्ट की, तो जो 100 मार्क्स का आता है रिटर्न उस वही यहाँ पर होगा और वो कॉमन रिटर्न होगा, जैसे आपने इसे पहले कनिष्ठ सहायक का देखा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे यहाँ आपको, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, उसके अलावा जो भी उत्तराखंड से तमाम ये चीज़ें आती है 100 नंबर का यहाँ पर कुल जो है डिटेल्स यहाँ पर होगी। तो गाइस ये रही सारी डिटेल जहाँ पर हमने आपको कनिष्ठ सहायक से रिलेटेड जो भर्तियाँ आने वाली हैं उसके बारे में बताया और यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी जो है हमने आपको बताया यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं और पूरी जो ये लिस्ट है मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड कर दी है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो भी आप हमें वो पास कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी हम लगातार इन्फॉर्मेशन जॉब्स रिलेटेड देते रहते हैं। उसके अलावा रही बात विज्ञापन की, तो जैसे जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अनुसार जो है नवंबर के 4th वीक में आपको ये देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इस साल का ये आखिरी विज्ञापन होगा लोक सेवा आयोग से और ये नई भर्ती है। इससे पहले आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग की ओर से जो भी भर्तियाँ आई हैं वो वही भर्तियां हैं जो कि ऑलरेडी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आई हुई है, लेकिन ये भर्ती कनिष्ठ सहायक एकदम न्यू है जो कि इसका अधियाचन भी जो है लोक सेवा आयोग ने वापस कर दिया था क्योंकि इसमें कुछ खामियां थी लाइक एजुकेशन से रिलेटेड और उसके अलावा तमाम और सेवा एक दो सेवा नियमावली में भी जो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। बाकी डिटेल्स जब विज्ञापन जारी होगा तभी मालूम चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।